Hello! What's up? This is Team Arts 2.0 with Kanishk 2.0. खा कर रहे हो? Isn't that what Kanishk says? तो आज हम कर रहे हैं CAT का exam. CAT का full form क्या होता है? So it's a common admission test for MBA. My parents never asked me to give CAT exam क्योंकि उनको पूरा यकीन था कि कोई फायदा ही नहीं है. MBA is as similar as I guess engineering. लोग MBA कर लेते हैं for the sake of doing I guess. सबकी same ही value है हमारे office में. तो अगर कोई MBA है तो भी हम तो regard नहीं करते उसको. Are you excited? Yeah, how can I be excited? You told me to come here and give the CAT exam. हाँ, जो CAT का पहला section होता है, work जो comprehension का होता है, वो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत ही लंबे 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 paragraph होते हैं और पूरा दिन बीत जाएगा वो करने में. तो आज दो section होंगे quiz के अंदर, एक तो quant और एक logical reasoning. Logical reasoning. ठीक है? Questions को solve करने के लिए हमें बोर्ड और मार्कर भी मिला है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. अ ट्रेडर सेल्स 10 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ पेंट्स ए एंड बी वेयर द अमाउंट ऑफ बी इन द मिक्सचर डज नॉट एक्सीड दैट ऑफ ए. द कॉस्ट ऑफ पेंट ए पर लीटर इज ₹8 मोर देन दैट ऑफ पेंट बी. इफ द ट्रेडर सेल्स द एंटायर मिक्सचर फॉर ₹264 एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, देन द हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ पेंट बी इन रुपीज पर लीटर इज ए 20, बी 16, सी 22, डी 26. This is out of syllabus. एक सवाल के अंदर इतनी सारी चीजें कैसे हो सकती हैं? ₹3 per liter. Got it. You got it? No. Wait. B is not greater than A, first of all. तारे जमीन पर में जैसे उसको अक्षर देख के होता नहीं कि सारे अक्षर घूम रहे होते हैं. मेरे साथ वैसा ही हो रहा है. कुछ समझ ही नहीं आ रहा. एक काम करते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं. तुक्का और क्या कुछ बचा ही क्या जिंदगी में? I've done a lot of math. Suddenly I feel like I'm in school and 10th grade is flashing in front of my eyes and my math teacher is also flashing in front of my eyes. देखो हम वो स्टूडेंट है जो साइड वाले का 10 आता है आंसर तो हमारा आता है एलिफेंट. हाँ. हम वो स्टूडेंट है. ए. अरे श्योर 20? श्योर क्या होता है, मैं तुक्के में कैसे श्योर हो सकता हूँ? तुक्के में आई एम श्योर. मेरा आंसर है तुक्के के साथ. नहीं, ए. मतलब मैथ इन लाइफ. आरुषि, आई थिंक द आंसर इज 20. मैं सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ कि अगर 264 प्राइस है वो 10% के प्रॉफिट पे है, तो अगर 264 का 10% 264 में से माइनस कर दें तो क्या एमआरपी नहीं आएगा? 10% ऑफ 264 इज नॉट द 10% ऑफ द 10% दैट आई टॉकिंग अबाउट इज द 10% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, नॉट ऑफ 260. तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए 20. ओके, आवर आंसर इज ऑप्शन ए 20. Yes. कैसे किया? भाई साहब, कौस्तुब का अलग ही पावर है यार. अब मेरे को डर लग रहा है कौस्तुब से. जोशु. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज 60 किलोमीटर्स. पार्था एंड नारायण स्टार्ट फ्रॉम ए एट द सेम टाइम एंड मूव टूवर्ड्स बी. पार्था टेक्स 4 आवर्स मोर देन नारायण टू रीच बी. Moreover, Partha reaches the midpoint of A and B 2 hours before Narayan reaches B. The speed of Partha in kilometer per hour is A 6, B 3, C 4, D 5. Narayan took X for the whole 60 kilometers. Parth took X plus 4. Parth hit the midpoint. 2 ghante pehle pahunch gaya Narayan se. 2 ghante pehle pahunch gaya matlab iski speed zyada thi isse, correct? नारायण से. कनिष्क का ये काम था. व्हाइल आरुषि वाज बिजी सॉल्विंग, कनिष्क हैड टू बी एक्स्ट्रा. ओ डैम, आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर. आई थिंक 5. कैसे? पता नहीं. 5 किलोमीटर्स पर आवर, दैट मींस ही टुक 12 आवर्स टू डू 60. ओके, इफ ही डिड 12 आवर्स टू डू 60, दैट इज 4 मोर देन Narayan. So this should be 12 minus 4 is 8. ठीक है? And that means this guy did x minus 2 which is 6. And that value fits. So I think it is 5. ठीक है. Answer is option number D and 5 is our answer. I'm already sweating. दो घंटे यहाँ पे लिखा है, 4 घंटे और लगे उसको 6. So I think that way 5.
5. Yes! कोई मेरी मम्मी को वीडियो भेजो यार। To be honest, the first one was also kind of a guess from my side, but Arushi kind of felt confident, so I was like, let's go with it. The second one, oh, it's a good day to be Team Art. I know, man. तीसरा क्वेश्चन इस कैटेगरी का ये आखिरी क्वेश्चन है। Bottle 1 contains a mixture of milk and water in 7:2 ratio and bottle 2 contains a mixture of milk and water in 9:4 ratio. In what ratio of volume should the liquids in bottle 1 and bottle 2 be combined to obtain a mixture of milk and water in 3:1 ratio? A. 27:14 B. 27:13 C. 27:16 D. 27:18 तो मतलब बेसिकली हमें दूध का दूध और पानी का पानी करना है इसमें। हमारे ऑफिस की कॉफी मशीन से दूध निकाल के दे दो, उसमें पानी ऑलरेडी होता है। मुझे नहीं करना है। I'm trying to look smart. फाइनल आंसर वो है जो इसमें से सही है। मुझे बस ये नहीं समझ आ रहा कि कैलकुलेट कैसे करना है। What is this quiz? क्या ये क्यों कर रहे हम? मैं ये क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ। ओ नहीं, लेकिन मैं वही तो बोल रहा था। अब ये देखो, अब अगर x by y करेंगे -5/13 तो वो बनेगा -5/13। हाँ -5/13, so -5 गलत आना is not a problem क्योंकि हमें ऊपर वाला दिया हुआ है 27, 13 सही आना चाहिए, 13 आ गया। I literally don't know कि 27:13 क्यों है, but हमें लग रहा है ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए और आज टीम अपने हारने के गम में। चलो गो फॉर इट। ठीक है बी। शैल आई गो ऑन केबीसी टुडे? एम आई विनिंग एवरीथिंग? मैंने बोला था आधा जवाब सही आया है। गोइंग कोई बात नहीं, स्ट्रेस नहीं लेते, आंसर सही हो गए। हम तीनों के तीनों वाले मैच निकल गया। आई माइट लुक लाइक गॉड टू यू राइट नाउ, बट पता नहीं मेरे को कैसे आंसर आ रहा है। अब ये नेक्स्ट सेक्शन है कौन सा? डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। उसका पहला सवाल आपकी तरफ। The value of the assets distributed among Nita, Sita and Geeta was in the ratio of 1:2:3, while the gold coins were distributed among them in the ratio of 2:3:4. One child got all three flats and she did not get the house. One child other than Geeta got rupees 30 lakh in the bank deposits. How much did Sita get in the bank deposits? In lakhs of rupees. A. 20 B. 15 C. 10 D. 25 I think option C. क्योंकि ए डी और बी हो गए तो अब सी बचा है ऑप्शन। थोड़े और बच्चे होते तो किसी एक का नाम तो पपीता भी होता। मैं देता हूं इसका। ये बैंक डिपॉजिट्स का रेशियो नहीं है यार, हम आर्ट्स वाले हैं, हमने मैथ छोड़ दी थी फॉर अ रीजन। व्हाई वी नॉट एमबीए? एग्जैक्टली, एंड देयर वाज अ रीजन व्हाई आई लेफ्ट मैथ्स। गीता को 30 लाख रुपए मिले हैं, फिर सीता को 20 मिले होंगे और गीता को 10 मिले होंगे, ताकि उस एंगल में वो 3-2-1 हो जाएगा। वो भाई मैं बोलेंगे मैं तुक्का चीटिंग वीटिंग कर रहा हूँ, तुम बोल दो भाई मेरा तो 20 है, तुम्हें जो सही लग रहा है तुम। मैं बस एक मिनट के लिए फिर से सोचना चाहता हूँ। क्वेश्चन बार बार लिखने से आरुषि को लग रहा आंसर आ गया। मैन 30 लाख का 1:2 क्या होता है भाई? 30 लाख ले रही है तो कम से कम 20 लाख तो लेगी ना, 10 लाख में थोड़ी ना खुश हो जाएगी। नीता सीता गीता है भाई। करेक्ट है तू। 20 15 लाख रुपए। वी थिंक द आंसर इज ऑप्शन ए 20 लाख। एब्सोल्युटली, आप मेरे को लगता है मुझे कैट का हर एग्जाम देना चाहिए। दे तो रहे हैं और लेकिन कॉस्टअप के साथ। आई थिंक इज द लकी चार्म। या मैन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। Funky Pizzeria was required to supply pizzas to 3 different parties. The total number of pizzas it had to deliver was 800, 70% of which was to be delivered to party 3 and rest equally divided between party 1 and party 2. Pizzas could be of thin crust T or deep dish D variety and come in either normal cheese NC or extra cheese EC versions. Hence there are 4 types of pizzas: TNC, TEC, DNC, DEC. Partial information about the proportions of T and NC pizzas ordered by the three parties are given below. How many thin crust pizzas were to be delivered to party 3? A. 398 B. 162 C. 196 D. 364
पार्टी थ्री वाले बहुत पिज्जा खा रहे हैं 560, बाकी दोनों ने 120 मंगाए हैं। 560 इनटू 0.65, 364 है किसी का आंसर? हाँ। नाउ इन पार्टी वन थिन क्रस्ट इज 0.6 ऑफ द टोटल। ऑल माय मैथ्स टीचर आर गोइंग टू बी सो सैड इफ दे सी दिस वीडियो। आशी स्टॉप फेकिंग इट, यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस। D364, आई गो बाय कौस्तुभ। कौस्तुभ ओवर टू यू। सारी तालियां कौस्तुभ के लिए अगर सही हुआ, सारी गालियां कौस्तुभ के लिए अगर गलत हुआ। गालियां क्या दोगे यार? सो जॉश ने मुझे जितनी कैलकुलेशंस करने को बोला वो सारी कैलकुलेशंस हमने कर ली है। उसके हिसाब से पार्टी वन के 72 हुए, पार्टी टू के 66 हुए और टोटल हमारे हुए 300। सो 300 माइनस 66 माइनस 72 इज इक्वल टू 162। सो पार्टी थ्री ने 162 थिन क्रस्ट पिज्जा मंगाए थे। या देयर इज नो लॉजिक, जस्ट गो विद एनी आंसर। सो 162 B, yeah. We're having disbelief. Oh God. Yeah. Next question, please. A tea taster was assigned to rate teas from 6 different locations: Munnar, Wayanad, Ooty, Darjeeling, Assam, and Himachal. These teas were placed in 6 cups, numbered 1 to 6, not necessarily in the same order. The tea taster was asked to rate these teas on the strength of their flavor on a scale of 1 to 10. He gave a unique integer rating to each tea. Some other information is given below. Number 1, cup 6 contained tea from Himachal. Number 2, tea from Ooty got the highest rating, but it was not in cup 3. Number 3, the rating of tea in cup 3 was double the rating of tea in cup 5. Number 4, only 2 cups got rating in even numbers. Number 5, cup 2 got the minimum rating and this rating was an even number. Number 6, tea in cup 3 got a higher rating than that in cup 1. Number 7, the rating of tea from Wayanad was more than the rating of tea from Munnar but less than that from Assam. If the tea from Munnar did not get the minimum rating, what was the rating of the tea from Wayanad? A. 3 B. 5 C. 1 D. 6 Munnar ki tea ko nahi mili, to iske andar 2 ke andar Munnar nahi hai. Check up bana. Main keh raha hu dimag laga de, kuch nahi hoga. Check up bana, main pahunch jayenge bata raha hu. Kab bana? Aalsi mat ban. Yeah, I know. This is 3 cup ka do. How do I say two positive? Cup. This is not even. Let's give an answer. Wait. Arre. Almost done. भेजा इक्वल जगह में फ्राई हो चुका है। हमें समझ नहीं आ रहा। दिस क्वेश्चन इज टू लॉन्ग, आई गिव अप। एंड आई एम गोना ट्रस्ट तुक्कों के देवता ऑन दिस वन। हे तुक्कों के देवता, हम एक्चुअली ये कैट का एग्जाम सॉल्व करते करते थक चुके हैं। मुन्नार मिनिमम रेटिंग में नहीं आता है, तो यानी उससे अगर वायनाड की 6 है तो उसकी 4 भी तो हो सकती है। जो सबसे कम रेटिंग वाले वो इवन नंबर में ही होगी। क्या कहना चाहता है? 5 देन इट इज एब्सोल्यूट तुक्का। वी आर गोइंग विद ऑप्शन बी। Our calculations is 5, which is option B. बहुत टाइम लगा पहुंचने में, दिस बार भी राइट। आज की जैसी हमारी परफॉर्मेंस रही है, ऐसे तुक्कों के भरोसे पर नंबर आ जाते तो हम कैट में फाड़ देते। आई एम अहमदाबाद में होते हम। आई गेट द कैट। And we'll probably need separate time to understand the question and then separate time to attempt the question. Yeah, I'll probably read the question 3-4 times अगर मेरा पूरे पेपर में कॉम्प्रिहेंशन ही चलता चल रहा होगा। अब देखो, अब हमारी जिंदगी सेट है। अब हमारे आई एम मिल जाएगा, हमें मिनिमम प्लेसमेंट तो कितनी होगी? 30 लाख। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर करना एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू ओके टेस्टेड। Also, we have an app, guys, so do check it out. Google Play Store, Apple App Store, community feature भी, exclusive videos भी आएंगे। Joshu के सारे videos सबसे पहले app पे आएंगे। Oh, it's even more cute. Joshu. अरे एसी ऑन नहीं है क्या? गर्मी लग रही है। देख रहे हो एटीट्यूड का भाई, गर्मी लग रही है, एसी चलाओ। ये अभी अगर आंसर गलत हो रहे थे ऐसे क्या भाई, कंबल दे दो यार। व्हाट इज ही से? नहीं, दिस थिंग कनेक्ट सेज। You should know, you I forgot.